मुझको अपना समझने लगो मैं बहारों की। तुम्हें पर सौ तराशा जैसे तुम वही संगे मर मर तुम न समझो तुम्हारा। तो आज काफी टाइम बाद मार्केट जाना हुआ और मैं अभी अभी मार्केट से होकर आई हूँ क्योंकि काफी ठंड हो रही है, तो फिर निकला नहीं जाता घर में ठंड से। लेकिन कुछ काम इतने पेंडिंग हो गए थे कि आज निकलना ही पड़ा, तो फिर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, कुछ और काम किया है। सर्दियों का अपना ही एक अलग मजा है और उस मजे में सर्दियों में इतनी ज़्यादा हरी हरी सब्जियाँ और मटर धनिया इतना होता है, मेथी वगैरह, कि उनको छीलने करने का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सारा दिन सर्दियों का कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। बस एक इस मौसम में इस बार थोड़ी सी दिक्कत ये आई है कि हर बार मैं कहीं ना कहीं हिल्स पे ज़रूर जाती थी क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि गर्मियों में तो हिल्स का अपना मज़ा होता है लेकिन सर्दियों में हिल्स का एक अलग ही मज़ा होता है। और ज़रूर ही सभी को सर्दियों में हिल्स पर घूमने के लिए जाना चाहिए। मैं तो फ़िलहाल इस बार नहीं जा पा रही, इस बार काफ़ी बाउंडेशन हो गई हैं घर पर, पेंटर लगा हुआ है, देव के एग्ज़ाम, मेरी खुद बैकबोन में बहुत परेशानी, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं जिसके कारण मैं इस बार नहीं जा पा रही। लेकिन आप लोगों को कभी भी अगर मौका मिले अपनी लाइफ में से तो विंटर में एक बार पहाड़ों का मज़ा लेने ज़रूर आइएगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस चीज़ को और मेरे दिल में रोज़ उठता है जब कहीं बर्फ़ गिरती है सुनती हूँ तो मैं भी भाग जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। अभी वो फोल्डिंग बनवा रही थी, टूट गया था और धूप में बैठना पड़ता है, फोल्डिंग अब पूरा बुनाई हो चुका है, शाम भी ढल गई है और मैं अब उसको दे आऊँ पैसे। और वहीं बैठ के मैंने धनिया भी साफ़ कर लिया, उनके देखती भी रही और साथ साथ में मार्केट से मैं लाई थी आंवले और आंवलों को मैंने अब उबलने के लिए रख दिया था। दिखाती हूँ आपको, आंवलों को उबलने के लिए रख दिया, साथ में मैंने डाली थोड़ी सी हरी मिर्च उसमें और इस बार बनेगा आंवले का एक जैसे वो होता है ना पानी, खट्टा सा चटपटा सा गोलगप्पों वाले टेस्ट का, ये वैसे तीखा तीखा सा पानी बनेगा। और इसका बेनिफिट इतना है जिसके भी पेट में अफारा हो रहा हो, डाइजेशन सिस्टम वीक हो और कुछ डाइजेस्ट नहा हो रहा हो तो वो ये पानी पिए। देखिए ये आंवले उबल रहे हैं और मेरे ख्याल से गल भी चुके हैं और पहले भी मैंने आंवले का जो मसाले वाला अचार था वो बताया था और इस बार ये मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, खट्टा अचार। ये बॉयल इसमें रहेंगे आंवले और इसका जो पानी होगा वो पीने वाला हो जाएगा और बहुत ज्यादा डाइजेशन सिस्टम उससे अच्छा हो जाता है। तो हमारे यहाँ सर्दियों में ये दो तरीके का मैं अचार बनाती हूँ, एक तो पहले वो ड्राई अचार जिसकी रेसिपी मैंने दी थी और अब ये दूसरा होगा पानी वाला अचार। ये जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी।
और इसको स्टार्ट कैसे करना है बनाना, वो पहले वाले अचार में उसकी जो रेसिपी है उससे स्टार्ट करते हुए ही बनाना है। और आगे मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये उबल रहे हैं और इसमें डाल दिए हरी मिर्च अपनी स्वाद अनुसार, और बस अब ये होने ही वाले हैं। फिर मैं इसको कर दूंगी बंद जब ये गल जाएंगे। और कुछ धनिए को मैं चॉप करके और ऐसे वाली डिब्बी में भर के रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी फिर किसी चीज़ में डालना होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। निकालो और बस धो और डाल दो, और इसमें एयर जाती रहती है इसलिए ये धनिया काफ़ी फ्रेश रहता है। तो सारी मैं ऐसे ही काफ़ी इसका हिस्सा चॉप करके हमेशा रख लेती हूँ। ये अब अच्छे तरीके से फट चुके हैं देखिए, और अब मैं इसको कर दूंगी फ्लेम को ऑफ। और अब इसमें मैं गरम गरम में ही डाल दूंगी कटी हुई अदरक और कुछ बूंदे नींबू की स्वाद अनुसार। और अगर ज्यादा ये मुझे लग रहे हैं तो इनको मैं कुछ आंवले को निकाल लूंगी और फिर इनका मसाले वाला ड्राई अचार तैयार कर दूंगी। और बाकी का मैं खट्टा सा चटपटा सा अचार पानी वाला तैयार कर लूंगी। और अब इस गरम गरम में ही मैं ये कुछ स्लाइसेस डाल दूंगी अदरक के, और अब मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस। वो बाद में मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर आधे का मुझे कम लगा तो मैं और भी इसको निचोड़ के इसका टेस्ट बराबर कर लूंगी। और फिर ये हल्का सा जब गुनगुना हो जाएगा रह जाएगा तो हम इसको एक जार में पलट लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा अच्छा सा अचार तैयार। और इसमें हमारी जो अदरक है उनको डुबो देंगे हम, और साथ में आंवले। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में विटामिन सी से भरपूर फाइबर वाला, आँखों के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये अचार बनता है। ड्राई अचार बनाना है तो वो मेरी रेसिपी देख लीजिए, पानी वाला अचार बनाना है तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और ये 3-4 दिन बस चलता है, इसको फ्रिज में रख देना होता है, और जब भी खाना खाना हो तो उससे आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के और आप इसको पी सकते हैं। आंवला, अदरक और मिर्च तो आप रोटी के साथ खाइए, और जो पानी है वो एक कप में लेकर और उसको फिर आप पीजिए, तो बिल्कुल गोलगप्पे जैसा पानी महसूस होगा टेस्ट में। तो लीजिए, हमारा तैयार हो गया आंवले का पानी वाला अचार। और अब मैं बहुत गई थक, और अब मैं एक बार थोड़ी देर के लिए करूंगी रेस्ट, फिर उसके बाद काम पे आऊंगी। बस अब मैं फुलके सेकूंगी, और दाल बना ली है मैंने, और बस आज थकान बहुत ज्यादा हो गई है। बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पे। आप अपना सब ध्यान रखिएगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।